उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के 81 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार दोपहर भारतीय किसान परिषद के बैनर तले नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। हल्ला बोल प्रदर्शन से पहले किसान हरोला गांव स्थित बारात घर पर इकट्ठा हुए। भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर पहलवान ने आरोप लगाया है कि पूर्व में कई महीने तक चले धरना प्रदर्शन के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनकी मांगों का निस्तारण 3 महीने में करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस संदर्भ में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। हजारों की तादाद में मेरे किसान पहुंचे हैं इस जून की तपती गर्मी में, और ये दर्शाता है कि हम अपने प्रतिज्ञा के जो हमने व्रत लिया है उसके कितने दृढ़ हैं। और रही बात धरने की, जो भी हमारी मांगे हैं उसके लिए धरना हम अनिश्चितकालीन देंगे। आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, इसको नोट रखना, हम उठने वाले नहीं हैं। आपकी बात पहले बहुत बहका लिया है, अब आगे नहीं उठेंगे। सांसद महेश शर्मा भी आपके बीच आए थे हरोला, क्या हुआ, कोई बात बनी नहीं बनी? बिल्कुल आए थे, और बार बार वो सब झूठ बोलने वाले हैं। हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ के किसानों को कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए हम 10% की लड़ाई हम अपनी खुद लड़ेंगे। मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग 10% प्लॉट निश्चित तौर पर, जो किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, वो सबको मिलना चाहिए, चाहे वो नोएडा हो, चाहे ग्रेटर नोएडा हो, चाहे यमुना प्राधिकरण हो। ये लड़ाई सबकी है, इसमें सब लोग आ रहे हैं। दूसरा, आबादी का निस्तारण अब हो जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है, लुट पिट रहे हैं। और जो भी हमारे घरों पर नोएडा नाम दिया, जो भी ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण दर्ज किए हुए हैं, अब वो हट जाने चाहिए। हम संपूर्ण समाधान करा कर ही दम लेंगे, नहीं तो या तो समाधान होगा या फिर समाधि की तरफ जाएंगे। इससे पहले भी कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कई बार बैठक हुई थी, और बार बार आश्वासन दे दिया जाता था पर कुछ नहीं दिखता था। अब क्या रहेगा कि दोबारा मीटिंग होकर के फिर आश्वासन पे? वफा की उम्मीद तो तुझसे जिसे होगी उससे होगी, हमें तो ये देखना तू जालिम कहाँ है। कोर्ट ने भी यही बोला ना, ये टपकते हुए भ्रष्टाचारी हैं, यही बोला है, तो हम भी उसी धारणा के हैं। परंतु अगर सामने वाला कमजोर हो तो फिर कुश्ती भी क्या हुई। अभी बैरिकेडिंग पर धक्का धक्की हुई, क्या आप और भी आगे जाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, हमें ताला लगाना है, भविष्य हमारा उसी में है। जब तक ये ताला नहीं लगवाएंगे, यहाँ से अधिकारियों को नहीं भगाएंगे, तब तक ये काम करने वाले नहीं है। फिर भी हम एकदम उस मानसिकता के नहीं है, हम आके बैठ रहे हैं। चलो भैया, पुलिस ने बैठाए हैं तो हम बैठ रहे हैं। हमारी जिद है, हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं। देखिए, नोएडा की भूमि और समस्त एनसीआर की भूमि क्रांतिकारियों की भूमि रही है। आजादी से पहले भी हमने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने। आज हमारा दौर है, यहाँ पूरी तरीके से नोएडा में तानाशाही चलती है। सांसद बाहर का, विधायक बाहर का, लोकल का यहाँ कोई नहीं है। जब लोकल का कोई है नहीं तो लोकल की किसी कोई समस्या को सुनता भी नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, ना जिला पंचायत के यहाँ चुनाव होते हैं ना किसी अन्य चुनाव होते हैं, क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से अधिकारियों की चलती है। मगर अब युवा शक्ति ये पूरी ठान चुकी है भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में, और सभी किसान एकजुट हो गए हैं कि युवाएं अपनी जवानी कुर्बान कर देंगे जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलता। अरे, हमारे पूर्वजों ने जिस धरती को हल से सींचा, और जब बैल थक जाते थे कंधे, बैल थकने के बाद हल को अपने कंधे पर रख लेते थे हमारे बुजुर्ग, ये उन बुजुर्गों की धरती है, इसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अपना अधिकार लेंगे, 10% प्लॉट लेंगे, बचा हुआ मुआवजा लेंगे, आबादी निस्तारण कराएंगे, और जितनी समस्या है किसानों की उनका हल कराएंगे। पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले, या तो हमारा समाधान होगा या हमारी समाधि बनेगी। देखिए, मैं बता रहा हूँ, विधायक सांसद जहाँ के हैं ये मूल, डॉक्टर महेश शर्मा जहाँ का है, पंकज सिंह जहाँ के मूल है, ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इन्हें 5000 वोट भी मिल गया, ये दूसरी जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर का काम क्या होता है? वो बहकाता है छोटे बच्चे को कि तुम्हारे में सुई लगा रहा हूं कुछ नहीं होगा। तो ये बड़े डॉक्टर अब बन चुके हैं, ये किसानों को बहकाने लगे हैं, इनके बहकाए में नहीं आने वाले हैं। इस बार आर पार की लड़ाई है, विधायक के खिलाफ भी, सांसद के खिलाफ भी, और अधिकारियों के खिलाफ भी। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।